आशियाना हाउसिंग स्कैंडल एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद, अहद चीमा समेत दीगर के खिलाफ केस की समाअत हुई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के बायस पेश न हुए। अदालत ने नैब के वकील से इस्तफसार किया कि अब तक रेफरेंस क्यों दायर नहीं किया गया, जिस पर नैब ने रेफरेंस दाखिल कराने के लिए वक्त मांग लिया। वकील ने यकीन दहानी करवाई कि आइंदा 3 रोज में रेफरेंस दाखिल कर दिया जाएगा। अदालत ने शहबाज शरीफ समेत आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल के दीगर मुलजिमों के जुडिशियल रिमांड में 3 जनवरी तक तौसी कर दी। दूसरी जानी एहतसाब अदालत ने फवाद हसन फवाद के खिलाफ गैर कानूनी असासे बनाने के इल्जाम में रेफरेंस दायर न होने पर नैब से वजाहत मांग ली। फवाद हसन फवाद के वकील ने अदालत को बताया कि अगस्त से फवाद हसन फवाद जेल में हैं। इनके खिलाफ अभी तक रेफरेंस दायर नहीं किया गया। एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन ने शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद, अहद चीमा, शाहिद शफीक और दीगर को 3 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। कैमरा मैन अजहर बशीर के साथ मोहम्मद सकलैन जावेद, लाहौर न्यूज़।